क्या कहना चाहोगे आप? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की यशस्वी सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं और 9 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में देश भर में जो कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है उसके निमित्त आज यहाँ रोपड़ में आने का मुझे अवसर मिला है। निश्चित ही हम सब लोग गर्व के साथ में ये कह सकते हैं कि पिछले 9 साल में सरकार ने जिस तरह से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के देश का सम्मान स्थापित करते हुए, देश के सम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य से काम किया है, आज उसका प्रभाव पूरे देश भर में दिखाई देने लगा है और देश हर एक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहा है। अपने लोगों के साथ में, देश भर के लोगों के साथ बैठ करके हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा का ये सुअवसर प्रदान करने के लिए देश के लोगों का अभिनंदन कर सकें, उनका धन्यवाद कर सकें, उनका आभार ज्ञापित कर सकें, इसके निमित्त देश भर में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके निमित्त मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, भगवंत मान की तरह से जेट प्लस सिक्योरिटी लेने के लिए मना कर किया गया, क्या कहना चाहोगे? चलिए ये तो उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भगवंत मान साहब को पंजाब के लोगों की सिक्योरिटी की चिंता ज़रूर करनी चाहिए। अपनी सिक्योरिटी के लिए उनके पास में पुलिस है, लेकिन जिस तरह से पंजाब में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से पंजाब को अस्थिर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिस तरह से पंजाब में हत्याएं हो रही है, जिस तरह से पंजाब में जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जिस तरह से पंजाब में पुलिस थानों से लेकर के पुलिस हेडक्वार्टर तक हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से पंजाब में एक्सटॉर्शनिस्ट जिस तरह से नित्य प्रतिदिन नए एक्सटॉर्शन कॉल्स देकर के लोगों को लूटने के लिए काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको पंजाब के प्रदेश की जनता की सुरक्षा की निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए और प्राथमिकता से करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि सरकार बनने के बाद में उनकी प्राथमिकता जो पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की या पंजाब में माफिया राज को समाप्त करने की होनी चाहिए थी, उसके बजाय उनकी प्राथमिकता अभी आम आदमी पार्टी का विस्तार देश के दूसरे कोनों में किस तरह हो उस पर लगाए। मुझे पंजाब की जनता ने उन्हें इसके लिए जो है मतदान नहीं किया था कि वो आम आदमी के प्रचारक के रूप में काम करेंगे, उनको यहाँ धरातल पे बैठ करके काम करने की आवश्यकता। अच्छा, अरविंद केजरीवाल पूरे भारत में घूम रहे हैं, जो केंद्र की तरफ से ऑर्डिनेंस रखा गया, इसके बारे में क्या कहना? चलिए।